हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैमरे का OSD मेनू कैसे ओपन करते हैं, जिससे आप कैमरे के पार्टिकुलर सेटिंग कर सकते हैं। अभी जितना भी आप DVR और HD कैमरा लगाते हैं, तो जो भी सेटिंग करते हैं वो आप DVR के एंड पे करते हैं, ना कि कैमरे के एंड पे। तो अभी कैमरे का सेटिंग कैसे करना है, मान लीजिए अगर कैमरा कोई अगर दूसरी कंपनी का हो और हमारा सॉरी मान लीजिए कोई हमारा कैमरा DVR किसी दूसरी कंपनी का हो और हमारा कैमरा हो, तो उस पर सेट अगर नहीं चल रहा है तो उसको कैसे चलाना है, कैसे मोड हम चेंज करेंगे ताकि वो चल जाए। हिकविजन हो गया, चाहे और भी जितनी ब्रांडेड हैं, हाई फोकस हो गया आपका, जितनी ब्रांडेड इस टाइप का जो हमारा जो कैमरा डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, तो कैसे उसे OSD की मदद से हम उसका मोड चेंज करेंगे कैमरे का, फिर जो है सो कि हम उस पर कंपैटिबल बनाएंगे उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेक्नोलॉजी होता है जो C++ का है, वो CBI मोड पर होता है, ठीक है। अब हिकविजन का होता है TVI मोड पर, कोई OEM कंपनी है उसका HD मोड होता है और एनालॉग मोड होता है। सबसे पहले करना क्या है, अभी मैंने जो DVR लिया है वो CP-UVR 1601E1-S, ठीक है। आप E1-V4 से भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी XBR सीरीज का धुआ का अगर हो तो उससे भी आप मोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो कैमरा लिया है वो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसका मॉडल नंबर है CP-VAC D24L2, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे। ये चीज़ें आपको सारे में मिलेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पैन टिल्ट जूम है अभी, ठीक है। किसी में PTZ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए इंटर मेनू का ऑप्शन हो गया, ये सारे में आपको इंटर मेनू का ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है और इंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए सामने पीछे हमारा ये कैमरे का डायरेक्टली खुला ही है, ठीक है। तो ये ऑपरेट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ होगा, डायरेक्टली यहाँ से ही ऑपरेट आपको करना है, ठीक है। ये हम रिटर्न किए हैं अपने, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइट बैलेंस, ये डे नाइट मोड का है। जो भी चीज़ सेटिंग करना चाहते हैं ये क्लिक कीजिए यहाँ पर आपके अपने अकॉर्डिंग। देखिए कलरफुल हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट कैमरा हो जाएगा, ये देखिए ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न आ गए हम, यहाँ से मैं बता रहा था मोड चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये TVI मोड पर भी बाय डिफॉल्ट हमने सेट किया था, अभी सेट किया है। अब इसको हम वापस से अगर HD मोड पे चेंज करते हैं तो फिर देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। अब ये वापस आने के बाद सेव और एग्जिट करना है यहीं से, तो ये सेव और एग्जिट कर दिए। अब ये पिक्चर HD मोड में चला गया है, इसको कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए ये होता है HD मोड, ये DVR कंपैटिबल नहीं है इसलिए ऐसा पिक्चर दिखा रहा है। अगर ये कंपैटिबल होता तो बहुत अच्छा वीडियो दिखाता है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का DVR हो हमारा कैमरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारा सारा कैमरा 4-in-1 कैमरा है, किसी भी सिग्नल को सपोर्ट करता है। तो ये था हमारा वीडियो का एनालिसिस और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप मुझे कॉल करते हैं तो वो आपका टाइम बच जाएगा। दूसरी चीज़ है कि मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखिए कि क्या क्या वीडियो बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।